स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। आज हम लोग बात करने जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का न्यूमेरिकल के बारे में, मतलब उसके क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैंने तीन लेक्चर मैंने इसका थ्योरी के बारे में, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का थ्योरी के बारे में अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप लोग देख चुके होंगे अभी तक। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा मैं, आप लोग जरूर जाके वहां से देख लें, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चन बनाना मजा नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले थ्योरी देख लें, जो जो नहीं देखे हैं तब क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा बहुत ही, क्योंकि हम आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट के वाइज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए पॉइंट बी है, कोई एक पॉइंट है बी जो कि 20 mm बिहाइंड वीपी एंड 30 mm अबव एचपी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में तो इजी लग रहा होगा अभी, ये क्वेश्चन सर कितना दो लाइन का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन तो आसान है, समझना है यहाँ पर तो सब चीज आसान लगेगा। तो कैसे, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या जानना है, यही जानना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि मान ले हमारे पास चार टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट होते हैं। इस चार क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस पोर्शन में अबव एचपी और यहां पर भी होता है अबव एचपी। तो देखो इस क्वेश्चन में अबव एचपी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सर, तो अबव एचपी मतलब फर्स्ट या सेकेंड इसी दोनों में से होगा, क्योंकि यहां पर तो आ जाता है बिलो एचपी और यहां पर भी क्या जाता है बिलो एचपी। तो इसका मतलब इन दोनों में से तो नहीं है सर, ये तो क्लियर हो गया, इन दोनों में से है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद बिहाइंड वीपी लगा हुआ है, और लेकिन हमको पता है इसमें होता है इन फ्रंट ऑफ वीपी और इसमें होता है बिहाइंड वीपी। तो मतलब क्या हुआ, अबव एचपी बिहाइंड वीपी और यहां पर भी है अबव एचपी बिहाइंड वीपी। तो क्लियर हो गया हमको ये कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये बात को आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और कैसे समझना है ये भी क्लियर हो गया। दूसरा बात, अब हम आप लोग को जब थ्योरी पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू कहां बनता है, अबव एक्स वाई, टॉप व्यू कहां बनता है, ये भी बनता है अबव एक्स वाई। ये आपको हम दो चीजों को डिस्कस कर चुके थे पहले भी, कि फ्रंट व्यू भी कहां बनता है अबव एक्स वाई और टॉप व्यू भी बनता है अबव एक्स वाई। तो अभी हम इसी चीज को सोच के दिमाग लगा के इमेजिन करके इसको बनाने जाएंगे, तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में, आप हम लोग इसको बनाएंगे, इसलिए आप लोग इसको रफ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप रफ करने जाएंगे इसको। चलो ध्यान दो बात को, हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले एक सेकेंड क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोल रहा है, ध्यान देना मत को, ये जो ऑब्जेक्ट है 20 mm बिहाइंड वीपी, अभी ये क्या है, देखो यहां से पहले ये क्लियर करो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस टाइप से, तो ये एचपी और ये वीपी। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ये वीपी हो गया और ये एचपी हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 mm बिहाइंड वीपी, तो अभी देखो ये वीपी पे सटा हुआ है, तो लेकिन हमको क्या बोल रहा है 20 mm बिहाइंड वीपी, तो इससे कितना दूर गया,
20, समझ में आया बात को, इससे कितना दूर गए 20। अभी क्या है HP पे है, HP से FF कितना जा रहे हैं 30, इससे कितना गए 30। अब ध्यान दो बात को, अभी हम बस समझाने के लिए हम इस टाइप से ले रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर हम इस टाइप से रख दिए तो ध्यान दो बात को, इससे कितना ऊपर गए 30, मतलब ये HP है, HP से कितना ऊपर गए 30। तो अब अगर आप सामने से देखोगे तो ये 30 कहाँ बनेगा, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना होगा 30, मतलब 30 पे क्या है हमारा फ्रंट व्यू है। तो याद करो यहां से 30 पे क्या है हमारा फ्रंट व्यू है, मतलब ए डैश। कैसे आया तो फिर ध्यान दो, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हैं, एक्चुअली में ऐसे है, देखो कैसे समझना है, सेकंड बात है इसको क्या करना है, ऐसे रोटेट कराना है, ठीक है, समझने के लिए भी सिर्फ हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं। अभी यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इससे कितना ऊपर गए 30, तो अभी आप सामने से देखेंगे तो 30 यहां बनेगा, तो यहां से जो यहां का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है 30 ही ना है, मतलब जो 30 अबव एचपी था वो कहां बना, यहां पर बनेगा, समझ में आया, यही बना हमारा फ्रंट व्यू बना, ए डैश नाम दिए जिसका। अब ध्यान देना इससे हम लोग कितना आगे आए थे 20, ये 20 जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब ध्यान दो बात को इसको समझने के लिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये कितना होगा 20 ही होगा। यहां पर क्या है टॉप व्यू है मेरा ऊपर से देखने पे, अब क्या करना है, यहां पर देखो 30 है, ये 30 है, ये 20 है, अब क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे ही है हमारा, तो देखो यहां से 20 पे क्या आया टॉप व्यू, मतलब ए, याद रखना बात को। अब क्या करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, अब ध्यान दो घड़ी का सुई देखे होगे, घड़ी का सुई में यहां क्या है 12 बजा, यहां 9 बजता है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है HP को क्लॉकवाइज, मतलब 9 से 12, तो क्या करते हैं इसको रोटेट कराते हैं, देखो यहां 30 ऊपर है 20 नीचे है, इसको रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, देखो तो दोनों मिल जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा कि नहीं यहां, तो अब क्या करना है इसको 9 से 12 पे आ गया, इस तरीका से पैक हो गया। फिर ध्यान दो कैसे गया, कैसे रोटेट होता है इसके बारे में भी ध्यान दो, और कैसे हम लोगों को ऐसा लाइन दिखेगा, हम लोग चलो यहाँ एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ध्यान दो इस बात को, ऐसे था इसको क्या कराना, ऐसे रोटेट करा दिए रोटेट, इस टाइप से बन गया। अब क्या करता है इसको फिर ऐसे रोटेट करा दो, बन गया यहाँ पर इस टाइप से, तो देखो ऐसा ऑब्जेक्ट बना, यहाँ एक्स वाई लाइन हो गया नीचे। अब क्या था 30 mm पे क्या था फ्रंट व्यू, 30 mm पे क्या है फ्रंट व्यू है, डैश लगा दिए। 20 mm पे क्या है टॉप व्यू, यहां यहां लिख दो, ये डिस्टेंस कितना है 30, और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 20। आसान लगा बनाने में, तो आप लोग को मैं भी प्रैक्टिकली समझ गए होंगे कि ये कैसे बनता है, कोई दिक्कत हुआ अगर समझने में बताओ, प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं, जैसे जैसे हम समझाएं उससे एक बार बस सोचिएगा, आई होप आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, कैसे रोटेट कराते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, और एक चीज देख रहे हैं ना यहाँ पर कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों कहाँ बना एवव एक्स वाई, तो याद रखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में यही होता है कि दोनों एक्स वाई बनता है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। चलो ये तो था इजी क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा सोचने के लिए, और थोड़ा सा अगर समझते हुए बनाइएगा तो मजे भी आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है ए पॉइंट एफ इज 30 mm
बिहाइंड वीपी एंड इन द एचपी ड्रॉ इस प्रोजेक्शन। तो देखो एक पॉइंट एफ है जो कि 30 mm बिहाइंड वीपी है और इन द एचपी भी है, ड्रॉ इस प्रोजेक्शन। तो सर जी इस क्वेश्चन में क्या है, वैसा ही तो है? नहीं, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है आपको समझाते हैं। हमारे पास चार कोऑर्डिनेट होता है, आप लोग को पहले ही बताए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट में क्या होता है, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन बोला है बिहाइंड वीपी, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर भी होता है बिहाइंड वीपी और यहां पर भी होता है बिहाइंड वीपी का बार। इसका मतलब या तो ये सेकेंड में गया या तो ये थर्ड में जा सकता है, पहला बात चले क्लियर हुआ। लेकिन जब क्वेश्चन कर दिया इन द एचपी, इस क्वेश्चन में क्या होता है, और एबव एचपी होता है और यहां पर क्या होता है बिलो एचपी होता है थर्ड में। लेकिन ऐसा तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एबव एचपी या बिलो एचपी कहा है कहीं, तो आप क्लियर नहीं है कि ये सेकेंड में है या थर्ड में है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह दिया इन द एचपी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसी एचपी पे रखा हुआ, तो या तो ये एचपी के ऊपर में रखा हुआ यहां पर, या तो हो सकता है मान के जो यहां नीचे में रखा हुआ है, लेकिन एचपी पे तो है। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा गया कि अबव एचपी जाओ या बिलो एचपी जाओ, सिर्फ कह दिया है इन द एचपी। तो ऐसा बात जब कह दे इन द एचपी और ऐसा सिचुएशन में ला दे कि बिहाइंड वीपी बिहाइंड वीपी, तो आप समझ जाना ये जो क्वेश्चन है कौन कौन क्वाड्रेंट में है, सेकेंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में आता है। समझ में आया बात को, सेकेंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ आता है कि ये जो एग्जाम में तो नहीं लिखा हुआ आएगा, बस समझने के लिए आपको जब पढ़िएगा बुक तो लिखा हुआ होगा ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बोथ में रहता है। अब आपका क्वेश्चन अलाइज हो रहा होगा दिमाग में कि क्या सर जब सेकेंड और थर्ड में गया तो दोनों का सेकेंड का अलग बनाएंगे थर्ड का अलग बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप सेकेंड का भी अगर फिगर बनाओगे, मान के चलो सेकेंड का ये फिगर बना तो थर्ड का भी सेम ही फिगर बनेगा। आप बना के चेक कराएंगे अभी हम, आपको ये भी शंका दूर हो जाएगा, मतलब अभी आपको हम सेकेंड में भी बना के देंगे यही क्वेश्चन और थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना के दिखाएंगे और देखना दोनों का सेम ही फिगर आएगा। तो इसलिए आप किसी में भी बनाओ तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यहां तक कि नेमिंग भी सही होगा यहां पर, मतलब हम सेकेंड में जो नेमिंग करेंगे वो नेमिंग थर्ड में भी चले जाएगा। क्लियर है समझने में, आसान सा लैंग्वेज में समझा रहे हैं, कभी भी याद भूलिएगा नहीं, याद तो रह ही जाएगा हमेशा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो हम रख करते हैं, आते हैं इसका क्वेश्चन बनाने की ओर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक बगल हम बनाते हैं सेकेंड का और एक बगल बनाते हैं हम लोग थर्ड का, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे क्या सेकेंड और थर्ड में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान देना बात को, सेकेंड क्वाड्रेंट का जैसे बताए थे हम पहले भी, ठीक है, कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट था, ऑब्जेक्ट क्या है इन द एचपी रखा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। इससे कितना दूर आए हैं, अभी अगर हम यहां पर रख दे तो क्या है इन द एचपी इन द वीपी, अगर हम देखो बिहाइंड वीपी कितना है 30, ये डिस्टेंस कितना है हमारा 30 है, लेकिन एचपी पे रखा हुआ है हमारा ये ऑब्जेक्ट, देखो एचपी पे रखा हुआ है। तो अब हम लोग जो है इस बगल से देखो, फ्रंट व्यू हमारा इस बगल होगा, हम यहां से देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रंट व्यू यहां से देखा, सोचो कि यहाँ टॉर्च पर रखे हैं, टॉर्च यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा टॉर्च हो गया, यहाँ पर से टॉर्च रखे तो टॉर्च इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, मतलब फ्रंट व्यू कहाँ जा रहा है एक्स वाई लाइन पे जा रहा है, मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू कहाँ जा रहा है एक्स वाई लाइन पे,
याद रखना, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे गया, याद रखना है आपको। अब टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जो देखेंगे ये डिस्टेंस दिखाई देगा हमको, ऊपर से ये डिस्टेंस दिखाई देगा, तो ये डिस्टेंस दिखाई देगा तो टॉप व्यू कितना दूर पे है, बिहाइंड वीपी था यही हमारा, बिहाइंड वीपी कितना है 30 mm, तो मतलब 30 mm के डिस्टेंस पे हमको बिहाइंड वीपी मतलब टॉप व्यू दिखाई देगा। और बाद में इसको क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में रोटेट कराते हैं और इसको फिर घुमा देते हैं। तो मतलब क्या निकला कंक्लूजन, ये एक्स वाई लाइन हो गया, यहां पर हमारा ए डैश है, क्योंकि क्या है एक्स वाई लाइन पे क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा 30 mm पे टॉप व्यू कितना था, 30 mm पे था ना, तो यहां से हम लोग 30 mm चले गए और नाम क्या देना है इसका, यहां है टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा 30 mm। तो यहां पर देखो अभी भी एक्स वाई पे ही अभव एक्स वाई बना हमारा, दोनों चीज समझ में आया, ये कंडीशन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट से ये क्वेश्चन का फिगर ऐसा बना, तो अभी ऊपर है तो फ्रंट व्यू नीचे है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे बनाने जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी समझाते हैं आपको, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा इस टाइप से होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इन द एचपी, यहां पर रखा हुआ है, ध्यान दो माना यहां पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ इन द एचपी, लेकिन इससे दूर कितना आए हैं हम, इससे जो दूर है ये जो वीपी है इससे दूर कितना है 30, और यहाँ पर 57। तो अभी हम लोग इस बगल से देखेंगे तो फिर इमेज इसका कहाँ जाएगा, एक्स वाई लाइन पे जाएगा। सोचो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ से टॉर्च भरो तो फ्रंट व्यू हुआ, फ्रंट व्यू में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ जाएगा, इसी पॉइंट पे, तो मतलब इस बार भी फ्रंट व्यू कहाँ पर गया, ठीक है। इस बार भी हमारा जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू है कहाँ, एक्स वाई लाइन पे, याद रखना फ्रंट व्यू कहाँ है, एक्स वाई लाइन पे है। अब बात करते हैं टॉप व्यू का, यहाँ पर रखा हुआ, तो नीचे से देखो, नीचे से देखेंगे तो ये दूरी कितना है हमारा 30 mm पे मेरा क्या है टॉप व्यू है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी रोटेट कराएंगे, बात को समझना, कैसे रोटेट कराते हैं, क्लॉक वाइज। तो देखो कैसे क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज रोटेट किया, देखो मेरा 30 mm पे है ये, क्लॉक वाइज जैसे आ गए, देखो यहाँ से फिर थ्योरम क्लॉक वाइज, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे है हमारा, इसको ऐसे रोटेट करा दो, तो मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस था कितना था 30 mm पे, ये हमारा क्या था एच पी था, तो यहां से क्या क्लियर हुआ हमारा कि यहाँ पर फिर से हमारा क्या है फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू था ना एक्स वाई लाइन पे, और यहाँ पर से 30 mm के दूरी पे क्या है हमारा टॉप व्यू है, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा 30 है एक्स वाई लाइन। तो देखो तो यहाँ पर भी टॉप व्यू 30 mm पे है, यहाँ पर भी टॉप व्यू 30 mm पे, यहाँ पर भी फ्रंट व्यू हुआ, यहाँ पर भी फ्रंट व्यू, दोनों सेम फिगर है कि नहीं, कुछ अंतर है इस फिगर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है सेकेंड और थर्ड दोनों में गया। क्लियर हुआ समझने में, प्रैक्टिकली जैसे हम समझा रहे हैं आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा इधर उधर आपको अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पर कोशिश कीजिए, जहाँ दिक्कत होता है बताइए, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए पॉइंट ए इज 50 mm अबव एचपी एंड ऑन द वीपी
चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, क्वेश्चन देख के बताइए तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, दिमाग में आया कुछ? तो क्वेश्चन हम बताते हैं, एक पॉइंट है 50 mm अबव एचपी दिया हुआ है और एंड्रॉइड ऑन द वीपी है, तो याद कीजिए फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का बात दिमाग में लाइए, फर्स्ट में भी अबव एचपी होता है, इसमें भी अबव एचपी होता है, लेकिन इसमें क्या जाता है, इन फ्रंट ऑफ वीपी और इसमें बिहाइंड वीपी, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, लेकिन इसमें कहीं तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इन फ्रंट ऑफ वीपी है और बिहाइंड वीपी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ऑन द वीपी कर रहा है, मतलब इस बार यहाँ या तो इस बगल हो सकता है या तो इस बगल, दोनों तो देखो तो वीपी पे ही है ना, वीपी से ही सता हुआ है, तो क्या हुआ जब ऐसा कंडीशन आएगा तो समझ जाना वो दोनों में होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में होगा, ठीक है। तो हम अभी बताए थे ना जैसे भी तुम्हारे पहले क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड का, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको समझाते हैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लेकर, तो देखना दोनों का फिगर सेम ही बनेगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप के क्वेश्चन पे, कभी क्वेश्चन आएगा आपको फर्स्ट और फोर्थ पे भी, कभी क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड पे ही आएगा, तो समझ जाएंगे कि आप लोग कैसे बनाना है ना, अगर ये समझ जाइएगा तो हम इस पे क्वेश्चन भी दे देंगे अगर आप लोग को, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसके बाद हम और सारे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। हाँ तो ये क्वेश्चन आपको बताना था, तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट पे, जब बनाएंगे तो फर्स्ट पे जब बनाते हैं तो फर्स्ट का हम यहाँ लिखते हैं और सेकेंड का यहाँ, फर्स्ट में आपको पता होगा याद हो गया होगा आपको तो कि अबव एचपी कहां दिखाते हैं, वीपी पे, याद है कि नहीं, ये वीपी हो गया ये एचपी हो गया, कि अबव एचपी जो होगा हम लोग कहां दिखाते हैं, वीपी पे दिखाते हैं, तो कितना अबव एचपी है 50, तो वीपी पे चले जाओ यहां पर 50, और यहां पर क्या बनता है वीपी पे फ्रंट व्यू, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा 50। अब ऑन द वीपी, जो भी ऑन द वीपी होता है उसको कहां दिखाते हैं, कहां पर दिखाएंगे, तो याद करो कैसे दिखाते हैं, तो इमेजिन करो कि पहले ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, इसको भी कहे छोड़े ध्यान दो बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा, इसको मैं से समझा दें, ये क्या है ऑन द, देखो तो वीपी टच किया हुआ है और कितना ऊपर है ये 50 mm अबव एचपी है और ऑन द वीपी है, सामने से देखेंगे तो 50 mm डिस्टेंस बनेगा वहां से, मतलब ये जो एक्स वाई लाइन है यहां से कितना डिस्टेंस पे है ये 50 mm पे ही है डिस्टेंस, सामने से देखेंगे यहां बनेगा, ऊपर से देखेंगे कहां बनेगा इमेज, यहीं पर ना बन जाएगा एक्स वाई लाइन पे, तो मतलब टॉप व्यू कहां पर बना, इसी पॉइंट पे, यहां क्या बना फ्रंट व्यू, यहां क्या बना टॉप व्यू, क्लियर है समझने में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सोचो, अभी हम थोड़ा देर पहले तीन बार सेकेंड क्वाड्रेंट समझा चुके हैं, दो बार क्या कर रहा है ऑन द वीपी एंड 50 mm अबव एचपी, फिर से यही बात आया, इतना ही दूर है। चलो तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखेंगे तो यहां इमेज बनेगा कितना दूर पे, 50 mm पे ही डिस्टेंस मेरा क्या इस बार फ्रंट व्यू है, 50 mm का डिस्टेंस पे क्या है फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे कहां इमेज बनेगा, ऊपर से देखेंगे यहां इमेज बनेगा, समझ में आया, यहां पे एक फ्रंट व्यू यहां एक इमेज, बाद में इसको क्या करते हैं रोटेट कराते हैं, तो सेम ही फिगर यहां पर भी बनेगा, मतलब 50 mm पे फ्रंट व्यू और एक्स वाई पे टॉप व्यू, देखो तो दोनों सेम है कि नहीं, तो इसलिए हम बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए, कि वो सोचेगा सेकेंड में अलग बनता होगा, थर्ड में अलग बनता होगा, तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों में से अगर किसी में भी बनाते हैं तब दो, अगर कोई लड़का सेकेंड में बना दिया ठीक है उसका भी सही है, अगर कोई लड़का थर्ड में बना दिया
मतलब ये फर्स्ट में बना दिया तो उनका भी सही है, कोई काटने वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है और कुछ कुछ क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो आप लोग इस सभी इतना क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बनाइएगा, होगा तो हम प्रोवाइड और कर देंगे, आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम भी दे देते हैं आप लोग बनाने के लिए, चलो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क। होमवर्क है ए पॉइंट क्यू 50 mm बिलो एचपी, बिलो है ठीक है, एंड ऑन द वीपी, बिलो एचपी एंड ऑन द वीपी, ठीक है, इसको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है ए पॉइंट आर इज 50 mm एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये क्वेश्चन बनाना है। ये तो बता दिए, चलो। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है जिसको आपको बना के आना है, ठीक है, बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9128551783 इस पे सेंड करना है। जो भी दिक्कत हो इस पे बता सकते हैं, या तो अब इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे इंजीनियरिंग लाइब्रेरी सर्च करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, आप वहां पर भी हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर।